हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 18 जो कि बिहार एसआई मेंस के लिए चलाया जा रहा है। 1 से 17 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। आप जाके प्लेलिस्ट में, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार दरोगा मेंस के नाम से, वहां जाके आपको 1 से 17 तक के सारे सेट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इसको PDF चाहिए तो आप दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की आपको सारे PDF मिल जाएंगे। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दृष्टि के पशदीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैमरा। देखिए, जो मानव नेत्र भी होता है वो भी कैमरा की तरह ही काम करता है, ठीक है। और मानव नेत्र जो होता है उसकी जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में समानता कौन सा प्रतीतक प्रयोग में लाते हैं। मतलब हम लोग जो घर में फ्रीज जो होता है उसमें कौन सा प्रतीतक कूलेंट यूज में लाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फ्रेयॉन गैस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रेफ्रिजरेटर में जनरली होता क्या है, रेफ्रिजरेटर में हम लोग कोई भी चीज़ को कम ताप पर रखा जाता है, जिससे क्या होता है, जो वस्तु होता है वो खराब होने से बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, कुहारा स्पेयर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बर्नौली सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अब बात आता है कि बर्नौली थ्योरम जो था वो था क्या। देखिए, बर्नौली थ्योरम क्या कहता है कि जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में रेखीय प्रभाव से बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन का कुल ऊर्जा का योग नियत होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि दो रेल पटरियों के बीच धातु के किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है। तो देखिए, जनरली क्या होता है कि आयरन जो होता है वो एक्सपेंड होता है, ठीक है, और एक्सपेंड होता है इसीलिए उसमें क्या दिया जाता है, गैप दिया जाता है कि अगर थोड़ा बहुत गैप नहीं दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो टेढ़ा हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, दुर्घटना होने की चांस है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेखीय प्रसार के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है कि एक खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी है। तो एक खगोलीय मात्रक जो होता है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। आप साथ ही साथ और याद रखिएगा कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.495 × 10^11 मीटर होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्योंकि, देखिए अभी हम लोग पढ़े ही कि रेफ्रिजरेटर में निम्न ताप पे जनरली 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर होता है उस पर हम लोग रखते हैं। ऊपर एक फ्रीजर होता है जिसकी 0 डिग्री से कम होता है, जहां हम लोग आइस क्यूब के लिए यूज करते हैं। तो इसमें पदार्थ, जो कोई भी खाद्य पदार्थ होता है वो खराब होने से बच जाता है। इसका रीजन यही है कि इसमें जो जीवाणु और फफूंदी होते हैं वो इतने कम टेम्परेचर पर निष्क्रिय होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में निहित है। तो ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही का जो अवशोषण होता है वो केशिका तत्व क्रिया के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। और जो ब्लॉटिंग पेपर होता है वो स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि उसमें जो छोटा छोटा जो छिद्र होता है वो केश नली की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, व्यापारिक वैसलिन किससे निकाला जाता है। तो व्यापारिक वैसलिन जो होता है जेली, वो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। जो हम लोग वैसलिन परचेज भी करते हैं वो उसमें भी आप देखिएगा लिखा होता है ए पेट्रोलियम जेली, ठीक है। क्या लिखा हुआ दिखेगा आपको, ए पेट्रोलियम जेली लिखा हुआ दिखेगा आपको। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुआं होती हैं। तो देखिए, जर्मन सिल्वर, ये नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, जर्मन सिल्वर में सिल्वर तो होता ही नहीं है। पहली बार तो सिल्वर नहीं होता, तो यहाँ से आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी। अब रही बात ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी की, तो ऑप्शन नंबर ए और बी में देखिए, जर्मन सिल्वर में जनरली होता क्या है, तांबा होता है 60%, जस्ता होता है 20% और निकेल भी होता है 20%। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, तांबा, जस्ता और निकेल। जनरली जो जर्मन सिल्वर होता है उसका उपयोग हम लोग बर्तन और मूर्तियों बनाने के लिए करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मरकरी यानी पारा है, तो पारा क्या है? पारा एक द्रव धातु है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। जनरली जो हम लोग घर में टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो थर्मामीटर यूज करते हैं उसमें हम लोग मरकरी या पारा का ही यूज करते हैं। जो पारा होता है वो -39 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स जमता है, और इसीलिए अगर आपको -39 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर मेजर करना होगा तब आपको अल्कोहल थर्मामीटर का यूज करना होगा, वहाँ पर आपका थर्मामीटर जिसमें पारा मरकरी थर्मामीटर होगा वो यूजलेस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है नीचे दिए गए ईंधन में से इनमें सर्वाधिक उष्मीय मान क्या होता है। देखिए उष्मीय मान होता है कि जो जितना जिसका ज्यादा उष्मीय मान होगा वो उतना ही अच्छा ईंधन माना जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो प्राकृतिक गैस होगा। प्राकृतिक गैस का सबसे ज्यादा उष्मीय मान है इन चारों में। ठीक है, अगर हम बात प्राकृतिक गैस की करते हैं तो प्राकृतिक गैस से एक चीज़ याद रखिएगा कि प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार रशिया के पास है, रूस के पास है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि प्रदूषकों के रूप में फिनोलेक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बहुलक अधिशोषण प्रयोग के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है, तो नाइट्रोजन जो होता है वो प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। ठीक है, जनरली नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो वायुमंडल में कितना होता है 78%, और नाइट्रोजन की यौगिकों में अमोनिया क्या होता है एक प्रमुख यौगिक होता है। ठीक है, और जिसका निर्माण हम लोग किस विधि से करते हैं, हैबर विधि के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? चलिए प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन से एक चीज याद रखिएगा कि प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्जीलियस ने किया था। ठीक है, और मानव शरीर में लगभग 15% भाग जो होता है वो प्रोटीन से ही निर्मित होता है, और सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं, तो अधिक पैदावार वाले जो पौधे होते हैं वो संकरण द्वारा तैयार किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। संकरण होता क्या है, जनरली जिसको हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं, कि संकरण के द्वारा क्या होता है कि दो या दो से अधिक किस्म को एक ही प्रजाति के दो या दो से अधिक किस्म को लेके और उसके गुणों को लिए अधिक बेहतर किस्म से तैयार करना संकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि उस स्थिति में एक जैसा जोड़ा पैदा होता है जब, तो कब एक जैसा जोड़ा पैदा होगा, जब एक निषेचित अंडे के दो टुकड़े हो जाते हैं तब जुड़वा होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक निषेचित अंडे के दो टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन की अगर बात हम करते हैं यहाँ पे, तो अर्धसूत्री विभाजन की सबसे पहले जो खोज था वो बीजमैन ने किया था। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सैक यानी लाइकेन है, तो लाइकेन देखिए लाइकेन जनरली कवक और शैवाल को मिलाकर बनता है, कवक और शैवाल को आप मिला के लाइकेन बनता है। ठीक है, तो लाइकेन जो है वो क्या है, सहजीवी है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी शाखा जीवित जीवों की उन्हीं जातियों के अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतक्रिया से संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एंटोइकोलॉजी, जिसको हम लोग कहते हैं स्वपरास्थितिकी शाखा जो है के अंतर्गत जो है वो जीवित जीव की उन्हीं जातियों के अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतक्रिया से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि नीचे लिखे कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है, तो देखिए सूखी लकड़ी जलाना यहाँ से भी प्रदूषित होगा, अंगरागों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग, प्रकाश संश्लेषण जो है वो वायु को प्रदूषित नहीं करेगा, तो इसका जो सबसे सही एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में प्रकाश वायु का प्रदूषण न होकर वायु का शुद्धिकरण होता है, और फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और उसके बदले में उसके वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं रेड ब्लड कॉर्पसल्स का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 100 से 120 दिन यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं से याद रखिएगा, लाल रक्त कणिकाओं का जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगर श्वेत रक्त कणिकाओं की बात करते हैं, मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स WBC की बात करते हैं, तो इसकी जो लगभग आयु होती है वो 2 से 4 दिन होता है, और जो WBC होता है वो प्रतिरक्षक के रूप में हमारे शरीर में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि चालिनी पट्टिका एक भाग है, तो चालिनी पट्टिका एक पोषवाह यानी फ्लोएम का भाग है, जाइलम फ्लोएम आप लोग पढ़े होंगे, परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत आता है, परमानेंट टिश्यू को फिर हम लोग फर्दर क्लासिफाइड करते हैं, तो जाइलम फ्लोएम, दो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू आप लोग पढ़े होंगे, उसमें जाइलम फ्लोएम है, तो फ्लोएम का ये पार्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, फ्लोएम जनरली फ्लोएम का कार्य क्या होता है कि पत्तियों के द्वारा जो बनाए गए भोजन
होता है उसको पौधे के अन्य भाग में पहुंचाना ही फ्लोएम काम होता है। ठीक है, जाइलम की अगर बात करते हैं तो जाइलम क्या होता है, जाइलम का जो जल एवं खनिज लवणों का संवहन तथा यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना जाइलम का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत का केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारत का जो केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान है वो लखनऊ में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वो हैदराबाद में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एन किस देश की मुद्रा है, तो एन जो है वो जापान की मुद्रा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि कुचिपुड़ी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होगा। ठीक है, और कुचिपुड़ी से आंध्र प्रदेश से और कुछ लोकनृत्य याद रखिएगा, जैसे वहाँ का एक लोकनृत्य है कुम्मी, सिद्धि माधुरी, ये सब वहाँ का लोकनृत्य है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है पुस्तक द इन्वेंटरेंस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सलमान रुश्दी के द्वारा ये लिखी गई किताब है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष जो शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, टीचर्स डे, तो ऑप्शन नंबर ए होगा वो सही आंसर होगा। अब जो शिक्षक दिवस है वो हमारे जो डॉक्टर एस कृष्णन थे उनके जन्मदिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोरेंस में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। लियोरेंस जनरली एक पेरिस में फ्रांस में पेरिस के पास एक शहर है लियोरेंस, यही इंटरपोल का मुख्यालय है, और इंटरपोल जो है वो उसका संबंध किससे है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन है ये। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेनुइन को। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जेनुइन, तो ये जेनुइन का प्रतीक है एक्सी, आरएन क्या होता है रेडॉन, एआर होता है आर्गन, और एनी क्या होता है नियॉन। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है वही विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सही है, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो सत्य देखिए मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन सही है ऑलमोस्ट, यह शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% होता है सही है, रक्त को समांतर जीवन धारा कहा जाता है सही है, रक्त कम दबाव पर उनमें झटके और तेजी से बहता है ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, जनरली अगर हम रक्त दाब की बात करते हैं तो रक्त दाब से एक चीज आप याद रखिएगा स्फिग्मैनोमीटर, ठीक है, ये रक्त दाब को मापने वाला यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एसबी सुनील निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो एसबी सुनील जो है वो हॉकी से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर है। इनको 2014 के राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक मिला था, ठीक है, 2014 के राष्ट्रमंडल खेल में ये रजत पदक जीते थे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि किस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस जो है वो गैस में परिवर्तित होती है, तो देखिए ये पूछ रहा है आपसे क्या कि ठोस डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाती है बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन यानी उधर्पातन, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं कपूर का जलना, कपूर सॉलिड फॉर्म में है वो बिना लिक्विड फॉर्म में गए हुए वो डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, मतलब सिंपल सा कहने का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ठोस जो है वो बिना द्रव में जाए गैस में परिवर्तित हो जाए, उसी को हम लोग उधर्पातन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है समूह ब्लैंक समूह के पौधे को समानता शैवाल कहा जाता है, तो थैलोफाइटा समूह के पौधे को समानता सैलाब कहा जाता है, शैवाल कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। थैलोफाइटा से याद रखिएगा जो थैलोफाइटा है वो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो नामीब मरुस्थल है दक्षिण अफ्रीका में स्थित, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, ये दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। मरुस्थल की अगर हम बात करते हैं तो मरुस्थल में याद रखिएगा एक है सहारा मरुस्थल जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और एक और नाम याद रखिएगा कालाहारी मरुस्थल, जो ये कालाहारी मरुस्थल है ये विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। ठीक है, और ये कालाहारी मरुस्थल है कहाँ, तो ये है बोत्सवाना में।
क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। पहले तो देख लीजिए कि आखिर रबी और खरीफ होता क्या है। खरीफ फसल वो फसल को बोलते हैं जिसका जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। दूसरे हैंड पे रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ जो है वो खरीफ फसल नहीं है। गेहूँ क्या है? रबी फसल है। ये अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गेहूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि ब्लैंक को अनबूझा चूना कहा जाता है। तो अनबूझा चूना किसको कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को और क्या बोला जाता है? क्यूक लाइम भी बोला जाता है। क्यूक लाइम जिसका क्या होगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, एक चीज होता है, एक तो यह अनबूझा चूना होता है, एक होता है बूझा हुआ चूना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं बुझा हुआ चूना और कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं अनबुझा चूना। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है अब कि चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहले तो समझ लीजिए चौथ क्या था और सरदेशमुखी क्या था। तो चौथ था किसी एक क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले में कोई रकम दिया जाता था, उसी रकम को हम लोग चौथ बोलते थे। ठीक है, और सरदेशमुखी क्या था? सरदेशमुखी का मतलब होता था कि हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को मतलब देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे, उसको बोलते थे सरदेशमुखी। और ये इसलिए किया जाता था ताकि शिवाजी अपने वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर होगा, वो अपनी वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। ठीक है, शिवाजी से याद रखिएगा, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था और अष्टप्रधान में पेशवा जो पद होता था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सम्मान का होता था। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे अल्बुकर्क ने गोवा को प्राप्त किया था। अल्बुकर्क देखिए सबसे पहले पुर्तगाली आया था और उसका वायसराय था अल्बुकर्क, जिसको पूरा नाम था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ठीक है, और ये मतलब पुर्तगाली गवर्नर का वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है, अल्बुकर्क को ही। तो अगर बात करते हैं तो ये जो था उस सही आंसर होगा इसका बीजापुर। बीजापुर से अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके गोवा जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विधवा पूर्ण विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता दिलवाई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ईश्वरचंद विद्यासागर ने। और ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से ही 1856 ईस्वी में विधवा पूर्ण विवाह एक्ट बनाया गया। ठीक है, और ऑप्शंस की बात कर लेते हैं तो राजाराम मोहन राय से याद रखिएगा कि राजाराम मोहन राय ब्रह्म समाज के भी संस्थापक थे। ठीक है, और वेदांत कॉलेज की भी इन्होंने स्थापना की थी 1825 ईस्वी में। अगर हम बात एमजी रनाडे की करते हैं तो एमजी रनाडे पुणे सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे, और एनी बेसेंट की अगर बात करते हैं तो ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि प्रांतीय स्वतंत्रता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1935 का एक्ट। 1935 के एक्ट में हुआ क्या था कि जो 1919 में प्रांतों में लगाया गया था, ठीक है, प्रांतों में लगाया गया था जो द्वैध शासन, उसको हटा दिया गया था 1935 में, और 1935 में केंद्र में लगा दिया गया था। तो आपसे पूछ रहा प्रांतीय स्वतंत्रता मतलब हटा कब दिया गया था प्रांत में, प्रांतों को स्वतंत्र कब कर दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1935 का एक्ट। ठीक है, 1935 के एक्ट में जो 1919 में प्रांतों में लगाया गया था उसको हटा दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1784 में पारित हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट। और पिट्स इंडिया एक्ट से एक चीज याद रखिएगा, इसी एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था। एक हुआ था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक हुआ था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था वो व्यापारिक मामलों के लिए था और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स था वो राजनीतिक मामलों के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा की सदस्यता के लिए किसी भी उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। साथ ही साथ वह भारत का नागरिक होना चाहिए और वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और वह पागल तथा दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम राज्यसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्यों की आयु की बात करेंगे तब उसे 30 वर्ष चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की अगर बात करते हैं तब 25 वर्ष चाहिए, और अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल की अगर बात करते हैं तब उन्हें 35 वर्ष चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि मेहर प्रथा का प्रचलन है। तो मेहर प्रथा का जो प्रचलन है वो जनरली मुसलमान धर्म में है, मुसलमानों में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता देविका रानी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। और इसका प्रारंभ कब हुआ था, 1969 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि रात्रि का अंधापन किसकी कमी से होता है। तो रात्रि का जो अंधापन है वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर हम विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए की खोज मैकलून ने किया था, ठीक है। और विटामिन ए से याद रखिएगा इसका जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, संक्रमणों का खतरा ये सब विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए का जो रिच सोर्स है, मतलब सबसे ज़्यादा सोर्स है, वो जनरली होता है दूध, अंडा, हरी सब्जियों और मछलियों में होता है, विटामिन ए पाया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि इजराइल राज की स्थापना कब हुई थी। तो इजराइल की स्थापना हुई थी 15 मई 1948 को। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। इजराइल से याद रखिएगा इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और यहाँ की मुद्रा का नाम है न्यू सैकाल, ठीक है। अगर हम मुद्रा की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पावरफुल मुद्रा है डॉलर, ठीक है। और इजराइल से एक और चीज़ याद रखिएगा, इजराइल जो है वो एक यहूदी धर्म वाला देश है और यहाँ का एक प्रत्येक नागरिक होता है जो एक सैनिक के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है। तो लूनी नदी मुख्यतः राजस्थान में बहती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर हम अभी की बात करते हैं तो राजस्थान के अभी मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। तो वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता जो है वो मध्याह्न के समय विद्यमान रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है। तो पृथ्वीराज विजय के रचयिता है जैनक। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। एक और चीज़ याद रखिएगा, वो बुक का नाम है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो अगर आपसे पूछा जाता है तो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रवर दाई, ठीक है। अगर हम केशव दास की बात करते हैं तो केशव दास जो थे वो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहा है ये। तो इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर है। और इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को किया गया था, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह था। तो अंतरिक्ष में जो प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह था उसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। और ये 1957 को सोवियत संघ के द्वारा, मतलब जो अभी रसिया है उस समय यूएसएसआर था, उसके द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित किया गया था। ये भी याद रखिएगा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रथम कदम भी रसिया ने उठाया था, ना कि अमेरिका ने। तो पहला कदम भी रूस ने उठाया था अंतरिक्ष के क्षेत्र में, और दूसरा कदम अगर है तब वो अमेरिका है, मतलब रसिया के बाद अमेरिका का नंबर है, ठीक है। राकेश शर्मा एक आप लोग नाम सुने होंगे, वो 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। और एक और आपने नाम सुना होगा, कल्पना चावला, जिनका कि देहांत हो गया है, कब, 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान से जब वो लौट रही, मतलब कोलंबिया अंतरिक्ष यान में उनका देहांत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि किसी उत्पाद को इको मार्क का प्रमाणन का मतलब है कि वह उत्पाद। तो किसी इको का मतलब ये होता है इन्वायरमेंटल से रिलेटेड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण के अनुकूल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि भारत में हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है। तो भारत में जो हिंदू वृद्धि दर है वो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। एक आपने सुना होगा राजा कृष्णा, वही राजा कृष्णा ने हिंदू विकास वृद्धि दर की अवधारणा दिए थे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो सर्वाधिक योगदान है सेवा क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो जवाहरलाल नेहरू भारत की खोज के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। अगर हम बात रविन्द्रनाथ टैगोर की करते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर से याद रखिएगा ये गीतांजलि पुस्तक के लिए बहुत फेमस है। और इनका एक और पुस्तक का नाम याद रखिएगा किंग ऑफ डार्क चैम्बर, ठीक है। महात्मा गांधी का याद रखिएगा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। विवेकानंद से याद रखिएगा इन्होंने 1887 में बेलूर मठ की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी किसके आसपास स्थित है। तो सबसे ज़्यादा जो जागृत ज्वालामुखी है वो प्रशांत महासागर के आसपास स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? बोर्नियो। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। एशिया की अगर हम बात करते हैं तो ये संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। संपूर्ण विश्व का लगभग 30% क्षेत्रफल है और 60% जनसंख्या निवास करती है यहाँ एशिया में। ठीक है, एशिया से अगर एशिया की अगर हम बात करते हैं तो एशिया के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल की वाला देश है चाइना और सबसे कम मतलब सबसे छोटा द्वीप है मालदीव। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार जो है वो समस्त देशवासियों को दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। मौलिक अधिकार से याद रखिएगा ये अमेरिका यानी यूएसए से लिया गया है, भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35। भाग 3 से याद रखिएगा कि इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, अधिकार पत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1A का समाप्ति स्थल है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1A का समाप्ति स्थल क्या है? लेह है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि चाइना मैन का संबंध है, तो चाइना मैन एक क्रिकेट से जुड़ा हुआ टर्मिनोलॉजी है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर है। क्रिकेट से याद रखिएगा क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है, ठीक है, जिसकी प्रचलन 16वीं शताब्दी में ही हो गई थी। ठीक है, पहला विश्व कप का भी आयोजन 1975 में इंग्लैंड में ही हुआ था और अभी रिसेंटली 2019 का वर्ल्ड कप हुआ है जिसका विजेता भी इंग्लैंड ही है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे, तो ग्रहों के गति के नियम केपलर ने प्रतिपादित किए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। कि वो ये कहता है कि जो प्रत्येक ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के फोकस बिंदु पर स्थित है। साथ ही साथ प्रथम कहता है कि प्रत्येक ग्रह का जो क्षेत्रीय वेग होगा वो नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका जो वेग होता है वो कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी निम्नलिखित में से किस स्रोत से मिलती है, तो विष्णु की जो 10 अवतारों की जानकारी है वो मत्स्य पुराण से मिलती है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। मत्स्य पुराण से याद रखिएगा मत्स्य पुराण जो ही है वो सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक पुराण जो है वो मत्स्य पुराण ही है। टोटल पुराणों की संख्या है 18। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है झेलम नदी के तट पर प्रसिद्ध बितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था, तो ये जो बितस्ता का युद्ध है वो पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। सिकंदर से एक चीज़ याद रखिएगा, सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। ठीक है, सिकंदर से एक और चीज़ याद रखिएगा, इसके सेनापति का नाम था सेलुकस निकेटर और इनके पिता का नाम था फिलिप सेकंड, या फिलिप द्वितीय का बेटा था सिकंदर। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है सयानवाद किस धर्म का सिद्धांत है, तो ये जैन धर्म का सिद्धांत है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। जैन धर्म से याद रखिएगा इसके 24 तीर्थंकर थे जिसमें पहला जो थे उन्हीं के अनुयायी जैन धर्म के अनुयायी कहलाए, जिनका नाम था ऋषभदेव। ठीक है, 23वें का नाम याद रखिएगा पार्श्वनाथ और 24वें के नाम से आप लोग भांति-भांति परिचित होंगे महावीर स्वामी। जैन धर्म से और चीज़ याद रखिएगा, इनके त्रिरत्न थे, एक था सम्यक दर्शन, दूसरा था सम्यक ज्ञान और तीसरा था सम्यक आचरण। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि बौद्ध गाथाओं माइथोलॉजी में हाथी प्रतीक है, तो हाथी जो था वो बुद्ध के जन्म का प्रतीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, बौद्ध धर्म से याद रखिएगा इस धर्म में पुनर्जन्म की भी मान्यता थी। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या 1000 से अधिक है, तो ये एकमात्र राज्य है भारत में जो है केरल, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। केरल की अगर हम लिंगानुपात की बात करते हैं तो वो है 1084। ठीक है, अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं तो पूरे भारत में है 943, सबसे कम है हरियाणा में 2011 के जनगणना के अनुसार। साथ ही साथ दूसरे तीसरे नंबर भी आजकल आप लोग याद रखिएगा क्योंकि पहले नंबर से ज़्यादा पूछता है दूसरे नंबर, तो केरल के बाद है तमिलनाडु जिसमें है 996 और आंध्र प्रदेश में है जो तीसरे नंबर पे है वो है 993। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो स्त्री और पुरुष अनुपात है वो बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक धनवंतरी किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है,
गुप्त से आप लोग एक चीज याद रखिएगा, गुप्त काल को क्या कहा जाता था, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता था। उसके मेनली जो साहित्यिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां थी, इन्हीं के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि संगीत सम्राट तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व किसके दरबार में थे, तो वो रीवा के रामचंद्र बघेल के दरबार में थे, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि 1761 में मराठों की सेना के औपचारिक संचालन किसने किया था, तो मराठों की सेना के औपचारिक संचालन सदाशिव राव भाऊ ने किया था। देखिए हुआ क्या था कि मराठों का नेतृत्व विश्वास राव ने किया था। ठीक है, मराठों का नेतृत्व विश्वास राव ने किया था, लेकिन विश्वास राव जो था वो पेशवा का पुत्र था और ये नाम मात्र का नेतृत्व किया था। वास्तविक नेतृत्व जो था वो पेशवा का भाई था, ये सदाशिव राव भाऊ इन्हीं ने किया था। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं पानीपत के बारे में, तो पानीपत की तीन लड़ाइयाँ हुई। पहला हुआ 1526 में, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। दूसरा हुआ 1556 में, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि ब्रिटिश सांसद का वह कौन सा पहला अधिनियम था जिसके द्वारा मुसलमानों को अलग प्रतिनिधि देकर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। तो मुसलमानों को जो पृथक निर्वाचन दिया गया, मतलब अलग प्रतिनिधि दिया गया, वो दिया गया था 1909 के मार्लो मिंटो सुधार में। तो ऑप्शन नंबर होगा ए सही आंसर, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको कि मार्लो मिंटो सुधार भी कहा गया। जनरली क्या था, क्यों मार्लो मिंटो सुधार कहा गया, उसका रीजन था कि उस समय जो लॉर्ड मार्ले थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और जो मिंटो थे वो भारत के वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम लिखिए। तो मार्लो मिंटो सुधार की अभी हम लोग बात किए 1909, क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करते हैं तो यह है 1942, कैबिनेट मिशन की बात करते हैं तो यह है 1946, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात करते हैं तो यह है 1919। अब इसे अगर आप अरेंज कर लीजिएगा तो 1, 4, 2, 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि बहादुर शाह जफर के दोनों बेटे का सिर कलम करके चांदी की तस्करी के उपहार के रूप में उनके पास किस क्रूर ब्रिटिश अधिकारी ने भेजा था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा जनरल हडसन ने भेजा था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है। बहादुर शाह जफर कौन था, ये अंतिम मुगल सम्राट था और ये जो 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया था और इसको रंगून भेज दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि संस्था और संस्थापकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, ठीक है, गदर पार्टी लाला हरदयाल और काशीराम, ठीक है, होम रूल लीग पूना की अगर हम बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक, और इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। गदर पार्टी की स्थापना कब, 1913। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंग भंग की घोषणा की गई, ठीक है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह 1905 की सबसे अप्रिय घटना थी, ये बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग ने इसका खुलकर विरोध किया था, ये सही नहीं है। मुस्लिम लीग ने इसका खुलकर विरोध नहीं किया था, बंगाल में इस विभाजन का तीव्र विरोध हुआ, बिल्कुल सही है, और इस विभाजन से बंगाल के दो भागों में बट गया, एक बंगाल तथा दूसरा पूर्वी बंगाल एवं असम, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम लीग ने इसका खुलकर विरोध नहीं किया था। जनरली जो बंगाल विभाजन हुआ था वो इसके विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन भी प्रारंभ हो गए थे और जनरली इसको भारत में राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य प्रणाली है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य प्रणाली है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि हंटर आयोग का गठन किस लिए हुआ था, तो हंटर आयोग का गठन जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, जलियांवाला बाग से एक और चीज याद रखिएगा, एक हंसराज नामक भारतीय था जो जनरल ओ डायर का सहयोग किया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का विघटन कब होता है, तो राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि राज्यसभा जो है वो अस्थायी सदन है, राज्यसभा का गठन 1952 में, ठीक है, और भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा में सदस्यता के लिए न्यूनतम नियम चाहिए 30 और राज्यसभा की सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं।
क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि अनुच्छेद 324 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 324 जो है, देखिए जनरली अगर हम बात करते हैं भाग 15 की, तो भाग 15 में जो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है, ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, निर्वाचन से संबंधित है अनुच्छेद 324। ठीक है, निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो निर्वाचन आयुक्त और उसमें दो अनिर्वाचक आयुक्त होते हैं। ठीक है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और दो अनिर्वाचन आयुक्त होता है। लेकिन पहले ये मात्र सिंगल सदस्य मतलब सिंगल मेंबर कमेटी था, लेकिन अब ये तीन मेंबर का कमेटी हो चुका है। पहले जो था वो एक मेंबर कमेटी था, फिर 1993 के बाद से ये कब हो गया, बहुसदस्यीय बन गया, मतलब तीन मेंबर कमेटी बन गया। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में विधानसभा की एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सिक्किम राज्य में एक सीट जो है वो धर्म के आधार पर आरक्षित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। और 1975 को सिक्किम जो था वो भारत का 22वां राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगर हम बात गोवा की कर लेते हैं तो ये गोवा जो है वो 25वां राज्य है और ये 1987 में बना है। ठीक है, अगर हम बात नागालैंड की कर लेते हैं तो नागालैंड जो है वो 1963 में नागालैंड को असम से विभाजित करके एक नया राज्य बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि बिहार का विषाद है, तो बिहार का शोक विषाद जिसको कहा जाता है वो है कोसी नदी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, और दामोदर की अगर बात करते हैं तो इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, कोसी नदी से एक और चीज याद रखिएगा, कोसी नदी जो है वो अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। इसको इसका प्राचीन नाम भी था एक अरुणा नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी। तो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना थी नीलगिरी जीव मंडल। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सिंपल सा मतलब होता है कि जो प्राणी विलुप्त हो रहे हैं उन जीवों को बचाने के लिए मूलभूत सुविधाओं उपलब्ध कराना जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र का मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि संसद का कोई सदस्य अपने सदन के अध्यक्ष की पूर्ण अनुमति लिए बिना कितने दिन तक सदस्य में अनुपस्थित रह सकता है, तो उसका पद रिक्त घोषित नहीं किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 दिन तक। 60 दिन तक अगर वो सदन में अनुपस्थित रहता है बिना अनुमति के तो उसका पद जो है वो रिक्त घोषित किया जा सकता है। ठीक है, और संसद सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने का अधिकार किसके पास है, अधिकार जो है वो सभापति यानी स्पीकर के पास मौजूद है। चलिए अब यहाँ से आपका ये 80 क्वेश्चन जीके जीएस का कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चन है। मैथ्स का और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है उसका मैं एक ओवरव्यू आप लोगों को बताता जाऊँगा, वो आप उस तरह से कर लीजिएगा। आप लोग कर बिल्कुल मुझे आशा है कि आप लोग पूरे क्वेश्चन को कर पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। देखिए कोई भी चीज़ को रेलगाड़ी अगर वैसे पार करती है जिसका अपना कोई लेंथ नहीं होता है, जैसे कि खंभा हो गया, पोल हो गया, खड़ा इंसान हो गया, दैट मीन्स कि वो अपने लेंथ को पार कर रही है। तो यहाँ 150 मीटर लंबी गाड़ी एक खाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार कर ली है, मतलब 150 बटा में 15 यानी उस रेलगाड़ी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? फिर कह रहा उतनी ही लंबी रेलगाड़ी, दूसरी रेलगाड़ी उतनी ही लंबी यानी वो भी रेलगाड़ी की 150 मीटर ही लेंथ थी, जो विपरीत दिशा से चल रही है। अब देखिए जब विपरीत दिशा से अगर चलती है तो क्या होता है, यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ याद रखिएगा, जब भी आप अगर आप रिलेटिव स्पीड याद रखिएगा तो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज याद रखिएगा कि जब अपोजिट होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा मतलब ऐड होगा, और जब सेम डायरेक्शन में जाते रहेगा तो वो माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। अब देखिए टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए तो हम ऐड ही करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 150 प्लस 150 दोनों ट्रेनों का, और इसका हो जाएगा 10, और दूसरे ट्रेन का हम मान लेते हैं कि दूसरे ट्रेन का जो स्पीड है वो x मीटर पर सेकंड है, और ये दोनों टाइम लेती है 8 सेकंड। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा 220 बटा में 8। ये जो 220 बटा में 8 आया वो मीटर पर सेकंड में आया। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए आप लोगों को पता ही होगा कि 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व कर दीजिएगा तब आ जाएगा 99 किलोमीटर प्रति आवर। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि 12,500 की कोई धनराशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर इतना रुपीज हो जाती है। देखिए यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ है मतलब मूलधन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12,500, और मिश्र धन यानी अमाउंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 15,500। यहाँ से क्या आप सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल लीजिएगा दोनों को माइनस करके, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा 3,000,
अब सिंपल इंटरेस्ट जब निकल गया और आपको दिया हुआ है क्या, टाइम भी दिया हुआ है 4 ईयर, तो आपको रेट निकालना है। दर का फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट इंटू में 100 और अपॉन में प्रिंसिपल इंटू में टाइम। तो इस फार्मूले पर अगर आप रख दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 6%। क्लियर है? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा 6%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि एक घन का आयतन एक लंब प्रिज्म के बराबर है जो 72 सेंटीमीटर ऊंचा और एक त्रिकोण के आधार पर खड़ा है जिसके किनारे क्रमशः 32 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का है, तो घन का किराना कितना होगा। देखिए इस डायग्राम को अगर आप बनाइएगा तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये एक ट्रायंगल हो जाएगा, इसके सहारे खड़ा है एक प्रिज्म, ऐसा कुछ इसका डायग्राम बनेगा। यहाँ अगर इसको हम लोग नेमिंग करते हैं तो ए बी सी नेमिंग कर देंगे, यहाँ इस पॉइंट को हम लोग डी दे देते हैं और इसको ई दे देते हैं और इसको एफ दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो बी सी दिया हुआ है आपका वो 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए बी आपका 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये जो सी है वो 72 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए तो ये आप ए डी यहाँ से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ए डी आप निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा, तो यहाँ हो जाएगा 20 का स्क्वायर -16 का स्क्वायर, तो यहाँ से ए डी जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको निकालना है प्रिज्म का आयतन। प्रिज्म का आयतन कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू में ए डी इंटू में बी सी इंटू में सी, अब यहाँ तीनों की वैल्यू आप रख दीजिएगा तो जो घन है उसका आयतन निकल जाएगा 13824। इसी प्रिज्म के आयतन के बराबर ही घन का आयतन होगा। अब जब घन का आयतन इतना हो गया तो घन का एक साइड पूछ रहा है तो √3 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में D और E क्रमशः A और A C, देखिए इसको डायग्राम बना लीजिए तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ए बी सी और डी और ई जो है वो मिड पॉइंट दिया हुआ है, इस एंगल का दिया हुआ है 40 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 65 डिग्री। तो सबसे पहले तो आप ये एंगल निकाल लीजिए, तो ये एंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में से आप माइनस कर दीजिए 40 डिग्री प्लस 65 डिग्री को तो आ जाएगा 75 डिग्री, मतलब ये वाला जो है एंगल वो 75 डिग्री आएगा। अब देखिए ये दोनों जो लाइन है वो पैरेलल लाइन की तरह काम करेगा, समांतर रेखा की तरह काम करेगा, और ये जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा, तो ये एंगल और ये एंगल का दोनों सम 180 होगा, तो 180 में से इसको माइनस कर दीजिएगा 75 को तो ये वाला एंगल निकल जाएगा जो कि आपसे पूछ रहा है, तो आंसर आ जाएगा 105 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि एक्स और वाई का मान निकालिए, ये जनरली है कुछ नहीं, इसको आप लोग एक्स और वाई को दोनों का एक टर्म बराबर कर दीजिएगा और उसके बाद फिर आप लोग एक्स और वाई का मान निकाल लीजिएगा तो आपका जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा x = 1 और y = 1, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि 5 मार्च 1999 को शुक्रवार था और 5 मार्च 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिए 5 मार्च 2000 की बात करते हैं तो 2 शेष दिन होगा, तो शुक्रवार प्लस 2 ऐड कर लीजिएगा तब हो जाएगा रविवार, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि 10% और 20% की लगातार छूट की एकल छूट क्या होगी। तो देखिए जो लगातार छूट की एकल छूट निकालने के लिए आप लोग एक फार्मूला भी पढ़े होंगे, a + b - ab / 100, जहाँ पे ए की वैल्यू है 10% और बी की वैल्यू है 20%। तो इस फॉर्मूले पे अगर आप रख दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 28%, या फिर आप इसको रेशियो में दोनों को फ्रैक्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि यदि 3 क्रमिको संख्या का योग 81 है तो मध्य की संख्या क्या होगी। तो आप एक को x मान लीजिए, एक को x+1 मान लीजिए और x+2 मान लीजिए, तीनों को ऐड करके लिख दीजिए 180, तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 26, x+1 का आ जाएगा 27 और x+2 का आ जाएगा 28, तो आपसे बीच की संख्या पूछ रहा है, यानी 27 जो होगा वो बीच की संख्या होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि 0.86, यहाँ कुछ नहीं करना है, 0.863 को कॉमन ले लीजिएगा तो इधर बच जाएगा 0.637 प्लस में 0.363, इन दोनों को प्लस कीजिएगा तो 1 के बराबर होगा, तो 0.863 इंटू में 1 कीजिएगा तब हो जाएगा 0.863, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि 9 विद्यार्थी एवं उनके शिक्षकों का औसत उम्र 16 वर्ष है। ठीक है, प्रथम 4 विद्यार्थियों का औसत 19 है और अंतिम 5 विद्यार्थियों का औसत उम्र 10 है, तो शिक्षक की उम्र क्या है। देखिए 9 विद्यार्थियों का अगर कुल उम्र निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, प्रथम 4 का कितना है 19 है और लास्ट वाले का कितना है 5 × 10 है।
ठीक है, तो टोटल कितने निकल के आ जाएगा, 126 वर्ष। और अगर टीचर के साथ निकालिएगा तब 16 है, तो 16 इंटू में 10 यानी 160। तो टीचर का माइनस कर, टीचर का निकालने के लिए 160 में से 126 को माइनस कर दीजिए, तब आ जाएगा 34 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए ये रिपीट हो रहा है ए बी सी, अब इसके बाद तो आ जाएगा डी और आई जे के और एल, तो डी एल जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि लुप्त पद ज्ञात करें, तो 7+17 है और 16 लेके आया है। देखिए तो एक चीज यहाँ कर सकते हैं हम लोग, 7+17 को जोड़ के 8 माइनस कर दिया है, 16 ले आया है। 4+25 में 9 माइनस कर दिया और 20 ले आया है। उसी तरह से 8+16 में आप 10 माइनस कर दीजिए तो 14 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। देखिए मैं मैथ रीजनिंग भी सही से करवा देता लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, टाइम का भी प्रॉब्लम है और दूसरा राइटिंग पैड उसके लिए चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के मैं आपको मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस का ओवरव्यू बता दे रहा हूँ ताकि आप उसको आराम से कर लें। क्वेश्चन नंबर 93 में असंगत चुनने के लिए, देखिए रांची भी कैपिटल है, भोपाल भी कैपिटल है, बेंगलुरु भी कैपिटल है, नागपुर जो है वो किसी राज्य की राजधानी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि 5 पुस्तक ए बी सी डी सी डी के ऊपर है, सी कहाँ है, डी के ऊपर है, ई जो है वो डी के नीचे है, ई जो है वो डी के नीचे, डी जो है वो ए के ऊपर है, डी जो है वो ए के ऊपर है, मतलब ए इससे कहीं नीचे होगा, बी ई के एकदम नीचे है, बी जो है वो ई के एकदम नीचे है, मतलब ई के जस्ट नीचे आएगा बी, ठीक है। तो सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, अब देखिए सबसे नीचे यहाँ कौन सी पुस्तक होगी, सबसे नीचे ये डी के नीचे ए है तो सबसे नीचे हो जाएगी पुस्तक बी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि यदि किसी खास कोड में रिजिड को क्यू एफ, देखिए यहाँ एक है रिजिड दिया हुआ और इसको लिख दिया है क्यू जे एफ जे सी, यहाँ देखिए किया कुछ नहीं है, एक बार माइनस वन किया है पहले में, फिर प्लस वन, फिर माइनस वन, फिर प्लस वन, तो इसी तरह से आप जस्ट नीचे वाले में टी में माइनस वन कीजिए, फिर प्लस वन कीजिए, फिर माइनस वन, फिर प्लस वन, ये वाला सीरीज चलाते रहिए तो आपका आंसर आ जाएगा एस बी सी पी क्यू के जे। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि निम्न आकृतियों में कुल कितने वर्ग हैं। देखिए इसमें अगर आपको वर्ग पता करना है तो कुछ नहीं, चार बॉक्स हैं तो आप कुछ नहीं कीजिए, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, इन सबको कर दीजिए, 30 आ जाएगा और वही आपका कुल स्क्वायरों की संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि एक घड़ी में 3:45 हैं। देखिए तो 3:45 बजाइए तो ये जो होगा ये 3 के ऑलमोस्ट पास में होगा और ये वाला सुई जो होगा वो 9 के ऑलमोस्ट पास में होगा। तो कह रहा है सुई, मिनट की सुई जो है, मिनट की सुई कहीं ये है, ये दक्षिण पूर्वी दिशा में है, तो ये दक्षिण पूर्वी दिशा में, तो घंटा की सुई क्या होगा, घंटा की दिशा ऑलमोस्ट उत्तर पूर्वी दिशा में होगा, सामने उसका उल्टा। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उत्तर पूर्व ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 90 है, बहुत ईजी है, प्लस माइनस किस में रखने पर क्या आंसर आएगा खुद आप लोग आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 को अगर सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। 99 की अगर बात करते हैं तो 99 कह रहा है कि एक्स और वाई दो भाई हैं, एक्स और वाई क्या है, भाई है, ठीक है, एक्स भी प्लस है वाई भी प्लस है, बी ए का भाई है, बी जो है वो ए का भाई है, बी हम लिख देते हैं ये ए का भाई है, अभी ए का जेंडर हमको नहीं पता है, लेकिन ए जो है वो एक्स की माँ है, यानी ए माइनस है और ए जो है वो एक्स की माँ है, तो एक्स के ऊपर वाले जनरेशन में आ जाएगा ये, तो ये जो है वो ए की माँ है। तो बी का बाई से क्या संबंध है, बी का संबंध किससे है, बाई से आपसे पूछ रहा है, तो बी का जो बाई का संबंध हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि मनुष्य के पास सदैव होना चाहिए, देखिए आंख नहीं होगा चल जाएगा, हाथ नहीं होगा चल जाएगा, पैर नहीं होगा चल जाएगा, लेकिन हृदय उसके पास बिल्कुल सदैव होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए तो ये था हमारा आज का प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 18। आशा करता हूँ मैं आप लोगों को पसंद आया होगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एक आप इसकी राय कमेंट आप में करके जरूर बताइएगा, साथ ही साथ आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।